हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये एक प्रोजेक्ट बेसिकली एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जावा में, जिसमें हम यूजर से इनपुट कर रहे होंगे एक नंबर और चेक कर रहे होंगे कि वो अगर इवन है या ऑड है। और अगर इवन होगा तो हम उसे प्रिंट करा देंगे द नंबर एंटर्ड इज इवन, और अगर ऑड होगा तो सिमिलरली हम प्रिंट करा देंगे द नंबर इज ऑड। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर लाइक और सब्सक्राइब करें। उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी IDE ओपन कर लेता हूँ। ओपन है मेरी IDE और नई क्लास बना लेता हूँ मैं, न्यू क्लास। क्लास को मैं देता हूँ EVV नाम, ऐसे ही कुछ भी। और हमारी क्लास बन चुकी है, ओपन करता हूँ मैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं उसी के साथ। यूजर इनपुट हमको लेना है, तो इम्पोर्ट java.util.scanner, और यहाँ पे मैं पब्लिक क्लास, हमारा एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, पब्लिक क्लास EVV underscore नंबर, इसका कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी रखो। और ये पब्लिक स्टैटिक void main string args, एक मिनट, string args, ओके। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, ये आपको जावा में ये कैसे लिखते हैं। और मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ अपने बेसिकली अप्रोच पे और जो भी चीज़ें हैं उस पर, और ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, यूज़र्स इनपुट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आपको पता होगा। तो और मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्कैनर, ये सारी चीज़ें हैं जो भी ऑब्जेक्ट करना है, ये सब आप जब यूजर से कोई इनपुट लेते हो तो उसमें ये करते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in और system.out.println, ओके। तो ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हम सबसे पहले यूजर को बोलेंगे प्लीज एंटर नंबर जिस जो कि आपको चेक करना है वो इवन है या ऑड है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिस्टम आउट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर एंटर द नंबर, यस एंटर द नंबर टू चेक फॉर इवन एंड ऑड, ओके। तो हम यहाँ पे ये यूजर को मैसेज भेज देंगे, एंटर द इवन टू चेक नंबर फॉर इवन और ऑड, यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, ये मैसेज यूजर के पास चला जाएगा, ओके। अब हमको यहाँ पे एक नंबर लेना है, तो लेट्स से नंबर को हम नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ओके। नम इज इक्वल्स टू INT, इंटीजर टाइप का नंबर रहेगा, INT इनपुट, ये मैं पाइथन का कोड लिखने लगा यहाँ पे, कोई नहीं, जावा में है हम। तो यहाँ पे INT नम इज इक्वल्स टू SC.next INT, ओके। तो हमने ये नम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया अपना इवन जो भी नंबर वो यूजर इनपुट करेगा, ओके, ठीक है। उसके बाद अब हमको चेक करना है, तो सबसे पहले अप्रोच पे बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली इवन या ऑड नंबर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे कि देखिए, अगर सपोज कोई भी नंबर है, जो नंबर डिविजिबल बाय टू को हम क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं, सिंपल। और नॉट डिविजिबल को हम बोलते हैं, नॉट डिविजिबल नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर, ओके, बहुत बढ़िया। डिविजिबल जो नंबर टू से डिविजिबल होते हैं हम उनको इवन नंबर बोलते हैं, और जो नंबर टू से डिविजिबल नहीं होते हैं हम उनको ऑड नंबर बोलते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग में इस कॉन्सेप्ट को कैसे लगा सकते हैं कोडिंग में, तो सिंपल है बहुत हमारे पास। तो अच्छा, उससे पहले एक और बेसिक सी बात कर लेते हैं, ये आपको कैसे पता चले नंबर डिविजिबल बाय टू का मतलब क्या है। नंबर डिविजिबल बाय टू का मतलब है कि जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा, जो रिमाइंडर आ रहा है वो जीरो आ रहा है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2, ओके, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो जब 4 को 2 से डिवाइड करते ना, 2 2 4 जाता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, ओके। क्या आता है, रिमाइंडर हमारा इक्वल्स टू जीरो, रिमाइंडर हमारा जीरो आता है। तो बेसिकली जब रिमाइंडर जीरो आता है तो उसका मतलब है वो नंबर पूरा डिविजिबल है उस नंबर से। तो हम यही अप्रोच यूज कर रहे होंगे, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जो कि मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये जो हमको रिमाइंडर निकाल, रिमाइंडर किसी नंबर का निकाल के देता है, ओके।
जिस प्रकार ये आपका ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ये एडिशन का हो गया, वैसे ही हमारे पास ये मॉडुलस ऑपरेटर है जो कि हमें किसी दो नंबर्स का रिमाइंडर निकाल के देता है। जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ 4, दिस इज अगेन 4 मॉडुलस 2, तो ये हमको क्या आउटपुट देगा? जीरो जीरो आउटपुट देगा। ओके, ये हमको जीरो आउटपुट देगा। तो हम इसी मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होंगे। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, जो नंबर यूज़र हमको दिया है ना, एंटर कराया है, हम उसको मॉडुलस ऑपरेटर से यूज़ करके चेक करा लेंगे कि उसका रिमाइंडर जीरो है कि नहीं। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो वो इवन प्रिंट करा देंगे, और रिमाइंडर ऑड हो जाएगा तो हम उसको सॉरी रिमाइंडर अगर जीरो नहीं होगा तो हम उसको ऑड प्रिंट करा देंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो चलते हैं हम कोडिंग सेक्शन में और यहाँ पे कोड करके देखते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है वो ये नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो हमको क्या करना है, हमने बोला अगर मैं चेक करा दूँ, इफ इफ के अंदर मैं चेक करा दूँ नम, नम जो वेरिएबल हमारा मॉड्यूलस, नम को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा इस पर अगर आप फेमिलियर नहीं है मॉड्यूलस से तो मैं थोड़ा और इस पर फोकस कर देता हूँ, थोड़ा इजीली और समझा देता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे सपोज एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूँ 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आप बोलोगे 2, ये 2 क्या है यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चेंट है इसका, आपका क्या है, क्वेश्चेंट है। ओके क्वेश्चेंट है, और रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे, रिमाइंडर हमारा है इक्वल टू जीरो, ठीक, रिमाइंडर जीरो है। तो अगर मैं बोलूँ 4, ये ऑपरेटर जो है हमको डिवीजन इसका क्वेश्चेंट दे रहा है, तो वैसे ही अगर मैं 4 मॉड्यूलस 2 का यूज़ करूँगा तो वो हमको क्या देगा, इसका रिमाइंडर देगा जो कि जीरो आएगा। ओके तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हम बोल रहे हैं नंबर मॉड्यूलस 2, मतलब जो नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या जीरो के बराबर है, हाँ वो जीरो के बराबर है, हम ये चेक करा रहे हैं। अब आपको पता होगा डबल इक्वल्स टू एक कंपेरिजन ऑपरेटर जो कि चेक करता है क्या जो नंबर है वो इक्वल है कि नहीं। तो वही डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके हम चेक करा ले रहे हैं क्या जो रिमाइंडर आएगा नम मॉड्यूलस 2 वो जीरो के बराबर है, और अगर ऐसा है तो हम जाके यहाँ पे बोल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर हम बोल देंगे द एंटर्ड नंबर इज द एंटर्ड, या फिर सिंपल द नंबर इज अ प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर। ओके द नंबर इज अ इवन नंबर, बहुत ही सिंपल। और अब अगर हमारा ये मान लीजिए एल्स, एल्स कंडीशन के अंदर चलते हैं हम, एल्स कंडीशन के अंदर क्या बोलेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर हम बोलेंगे द नंबर इज एन ऑड इज अ ऑड नंबर। ओके तो बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो देखते हैं फिर से, एक मिनट ये क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी सेम इश्यू है, ठीक, कोई आप कोई इशू नहीं, इसको कंपाइल कर देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन यहाँ पे आएगा। ओके और क्लास कंपाइल हो गई, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं सिंपल आपको, यहाँ पे मैं int n num equals to sc dot next int, अच्छा इससे पहले मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर नंबर को मैंने यूजर को बोला एंटर द नंबर टू चेक फॉर इवन और ऑड। तो जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर द नंबर टू चेक फॉर इवन और ऑड, ये मैसेज यूजर के पास जा रहा है। ओके फिर उसके बाद जो यूजर इनपुट कर रहा है, जो नंबर डाल रहा है वो इनपुट कर रहा है, वो हम स्टोर करा ले रहे हैं नम वेरिएबल के अंदर। और फिर यहाँ पे जैसा हमारा अप्रोच था, हम चेक करा रहे हैं अगर नम मॉड्यूलस 2, मतलब नम को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 के बराबर है तो ये क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन द नम इज़ ए इवन नंबर, द नंबर इज़ ए इवन नंबर प्रिंट कर देगा। नहीं तो एल्स नहीं, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज़ अ ऑड नंबर। तो चलते हैं हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं, कंपाइल्ड है और यहाँ पे क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, और यहाँ पे चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और आ गया एंटर द नंबर टू चेक फॉर इवन एंड ऑड, चलिए हम लेते हैं 101 और ये आता है द नंबर इज अ ऑड नंबर। ओके एक और नंबर हम लेके चलते हैं जो कि इवन हो, लेट्स से व्हाट इफ अगर हम जीरो लें, जीरो इवन है या ऑड, जीरो एक इवन नंबर है ना, ये मुझे पता है, हमें पता है, तो देखते हैं कंप्यूटर को पता है कि नहीं, जीरो एंटर करते हैं, ओ वाओ ये सही दे रहा है,
चलिए, कंप्यूटर को भी पता है जीरो इज इवन नंबर। तो बस इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।